दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण, आइए शुरुआत करती हैं आज की कुछ खास खबरों से। मंत्री जयवीर सिंह ने करहल चौराहे पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने करहल चौराहे पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करते हुए कहा कि नगर के मुख्य चौराहों पर जल्द ही अन्य महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित होंगी। 2 माह के अंदर विकास भवन के समीप बृहत ऑडिटोरियम, म्यूजियम, संग्रहालय के निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। जनपद के 36 पुरातात्विक महत्व के स्थलों, मंदिरों के पर्यटन विकास का कार्य कराया जाएगा। संस्कृति विभाग द्वारा कई मंदिरों के जीर्णोद्वार, पर्यटन विकास के लिए धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। चैवन ऋषि आश्रम, मार्कांडे ऋषि आश्रम, रामलीला मैदान कुरावली, रामलीला मैदान नगर मेनपुरी में कार्य प्रगति पर है। जनपद को सुंदरता भव्यता प्रदान करने के लिए लगभग 700 करोड़ की लागत से बाईपास निर्माण का कार्य भी कराया जाएगा। यह बाईपास आगरा रोड जरामय से होते हुए भोगांव रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास निकलेगा। बाईपास के निर्माण से जहां नगरवासियों को जाम से निजात मिलेगी, वहीं क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। क्षेत्र की भूमि के दाम में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की मूर्ति स्थापना से जनपद के युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा मिलेगी, साथ ही उनके जीवन संघर्षों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। उन्होंने देशभक्त महाराणा प्रताप, विपक्ष, किसानों, विकास आदि के बारे में क्या कुछ कहा, देखते हैं रिपोर्ट में। चुनाव लड़ेगा, समुदाय से लड़ेगा, लेकिन 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की झूठी में जाने वाली है 2024। लेकिन मंत्री ये उस पर प्रकाश डालने का काम करेंगे। पहला तो ये कि इस साल जो मूर्तियां लगने का कार्यक्रम चल रहा है, 4 मूर्तियां आपके सामने आलोक जी ने बताई। 5वीं मूर्ति लल्लू सिंह चौहान साहब, जो पूर्व विधायक रहे, एमएलसी रहे, उनकी मूर्ति भी नगर पालिका के शहीद पार्क में इसी साल बहुत जल्दी लगने का काम हो रहा है। ये 5 मूर्तियां इस साल लग रही हैं। इस साल का मतलब अभी 1 महीने के अंदर अगली 14 मूर्तियां, जिसमें बाबा साहब भी है, कोई बचाई नहीं है। जितनी मांग थी मैनपुरी की, कोई चौराहा नहीं बचेगा जिस पर भव्य और दिव्य मूर्ति मैनपुरी की शोभा न बढ़ा रही हो। ये 14 मूर्तियां 31 मार्च 2024 से पहले मतलब विदिन 3 या 4 मंथ, 3-4 महीने में वो मूर्तियां भी पूरा का पूरा अपना असली जामा पहनाने का साकार स्वरूप ले सकेंगे। साथ ही साथ आपके फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एएसबी न्यूज़।